सो हाय गाइस, लेट्स बिगिन द रेसिपी। तो आलू गोभी के लिए सबसे पहले चाहिए हमें आलू। तो आप किसी भी वैरायटी के कोई भी सिंपल आलू ले लीजिए और इन्हें इस तरीके से थोड़ा बड़ा बड़ा कट कर लीजिए। थोड़ा बड़ा बड़ा रखेंगे तो पीसेस बहुत सही तरीके से आलू एकदम मतलब खिली खिली सब्जी बनेगी। साथ में ले लीजिए गोभी और उसके इस तरीके से फोरेट्स निकाल लीजिए, एक एक कलियां अलग कर लीजिए और बॉइलिंग वाटर में डालिए थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक और फिर इसे बॉईल होने दीजिए। तो गाइस क्या है, थोड़ा हेल्दी की तरफ जा रहे हैं ना, तो आज हम आलू गोभी को बॉईल करके बनाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगेगा और सब्जी बनाएंगे बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। तो आलू और गोभी को आपको 70-80% तक कुक कर लेना है बॉइलिंग के थ्रू ही। तो आप बॉईल होने दीजिए, इसे कुक होने दीजिए और तब तक हम इसके लिए एक मसाला बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको किसी भी सब्जी में हलवाई वाला टेस्ट लाना है या ढाबा वाला फ्लेवर लाना है तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अदरक और हरी मिर्च का एक पेस्ट बना लीजिए। तो ये देखिए, मैंने 2 मिर्ची ली है और 1 इंच टुकड़ा लिया है अदरक का और उसे पीस लिया है और ये अदरक मिर्च का पेस्ट बन के रेडी है। एक पैन लीजिए, उसमें डाल दिए 2 टेबल स्पून ऑयल और साथ में डालिए सबसे पहले जीरा, साथ में डाल दीजिए हींग जो डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी रहती है, साथ में डाल दीजिए 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और ये सब इंग्रेडिएंट आपको तेल में ही डालने हैं। मेक श्योर आपका तेल बहुत तेज़ गरम ना हो, फ्लेम को लो ही रखिए और फिर उसमें डाल दीजिए हमारा अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। अदरक हरी मिर्च के पेस्ट को लो फ्लेम पे ही तेल में सबसे पहले भुनिए, जो कि बहुत अच्छा इसमें टेस्ट देगा, बहुत अच्छा इसकी खुशबू आती है इन मसालों की। और फिर इसमें डाल दीजिए बहुत सारा बारीक कटा प्याज। तो प्याज को आप रफली भी चॉप कर सकते हैं, तो मैंने थोड़ा बारीक रखा है ताकि जो बाइंडिंग भी दे सके सब्जी को जब हम आलू और गोभी डालें। तो प्याज को अच्छे से पकने दीजिए जब तक कि प्याज का कलर चेंज नहीं हो जाता है। तो सबसे पहले ट्रांसल्यूसेंट होगा, फिर उसके बाद में हल्का सा गोल्डन आने लगेगा। तो ये हल्का सा जैसे ब्राउन सा आने लगेगा इसी स्टेज पे हम इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे, जैसे कि टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर, साथ में डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, फिर हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। तो धनिया पाउडर लाल मिर्च पाउडर से डबल डालें। तो साथ में डाल दीजिए कसूरी मेथी। गरम मसाला हम डाल चुके हैं तो अभी नहीं डालना है दोबारा, और कसूरी मेथी डाल के सारे इंग्रेडिएंट्स को तेल में अच्छे से भुन जाने दीजिए। तो गाइस बहुत ज़रूरी होता है कि आप मसाले को किस स्टेज पे पका रहे हैं, कैसे पका रहे हैं, उसी से आपकी सब्जी का फ्लेवर बनता है। तो अब मसाला जब प्याज के साथ अच्छे से भुन गया है ना, अब इसमें डाल दीजिए चॉप टमाटो यानी कैसे भी कटी हुई, बहुत बारीक भी नहीं चाहिए और प्यूरी बना के नहीं डालिएगा, काट के ही डालिएगा। और यहाँ पे टमाटर भी डाल दीजिए और फिर टमाटर को डालने के बाद में अच्छे से एक बार चला लीजिए और पकने दीजिए, कब तक, जब तक कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता है। तो गाइस देखिए बड़ा अच्छा मसाला बना है। हलवाई की और ढाबा स्टाइल दोनों का एक ही खासियत होती है कि उनकी सब्जी में मसाला बहुत अच्छे से होता है। तो जैसे मैंने चेक करा है आलू और गोभी की तरफ, ये ऑलमोस्ट कुक हो गए हैं। जितनी देर में हमारा मसाला पका है उतनी देर में हमारी आलू गोभी भी बन जाएंगे, मतलब कुक हो जाएंगे। तो ये देखिए फॉर्क इजीली अंदर जा रहा है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बिखर रहा है। तो 70-80% ये कुक हो चुके हैं, इन्हें निकाल लीजिए एक स्ट्रेनर में और इनको निकाल के चलते हैं। टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है, तो ये हमारा टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, ग्रेवी बहुत अच्छी लग रही है, ऑयल सेपरेट हो गया है, लिमिटेड ऑयल डाला है इसलिए लिमिटेड ही सेपरेट हुआ है। और ये देखिए गाइस बिल्कुल परफेक्ट ये मसाला रेडी है। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो आलू गोभी हम पहले ही पका चुके हैं वो हम इसके ऊपर डालेंगे और अब फ्लेम को कर दीजिए हाई, क्योंकि अब हमें फ्लेवर देना है। सूखी वाली सब्जी बना रहे हैं, लंच बॉक्स रेसिपी है, तो इसको ड्राई रखने के लिए थोड़ा सा और फ्लेम तेज़ रखिए और तेज़ फ्लेम पे नमक भी डाल दीजिए यहाँ पे और इसे अच्छे से कुक होने दीजिए। आप इसे चलाते रहिए ताकि गोभी और आलू पे अच्छे से मसाला लग सके, और हाई फ्लेम पे इसलिए क्योंकि
क्योंकि जो उसे अच्छे से सौते होगा ना उस फ्लेम के ऊपर, तो सारा जो एक्स्ट्रा वाटर है वो रिमूव हो जाएगा और सब्जी में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, जैसे कि हमने इसको फ्राई करके बनाया, जबकि हम इसे फ्राई करके नहीं बना रहे हैं, हम इसे सिंपली बना रहे हैं। थोड़ी देर इसे पकने दीजिए। अब फ्लेम को आप मीडियम ही रखिएगा, बहुत तेज़ नहीं, जस्ट फॉर 2 मिनट है। मीडियम फ्लेम पर इसे वापस पकने दीजिए, फिर आप इसे ढक्कन हटाइए और वापस इसे एक बार चला लीजिए। तो गाइस, कई बार हम सोचते हैं कुछ स्पेशल बनाना है, स्पेशल बनाना है। अगर आप सिंपल किसी सब्जी को भी स्पेशल तरीके से बनाएं तो वो भी बहुत अच्छी बनती है। और आलू गोभी किसी पसंद नहीं होती है, बहुत वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट और बहुत कॉमनली अवेलेबल वेजिटेबल है हमारे इंडिया में, और बहुत अच्छी ये सब्जी सबको लगती है। पूरी के साथ, चपाती के साथ, राइस के साथ, दाल और राइस के साथ में तो बहुत ही अच्छा लगता है आलू गोभी का कॉम्बिनेशन। तो ये लीजिए गाइस, बहुत अच्छी आलू गोभी की एकदम सिंपल बट हलवाई स्टाइल, ढाबा स्टाइल भी बुला सकते हैं, दोनों का स्वाद एक जैसा होता है। तो गार्निश कीजिए हरे धनिए के साथ में और इन्जॉय कीजिए ये सिंपल येट सो डिलीशियस रेसिपी। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आते हैं प्लीज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल पेज पर जाइए और वीडियोज़ देखिए। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।